दोस्तों ये है 2024 मॉडल की मारुति सुजुकी की सुपर कैरी, वो भी सीएनजी में है। माइलेज इतना ज़्यादा देगी और कमाही सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए कि इसमें जो माइलेज मिलने वाला है वो 24 का माइलेज 24 का माइलेज देगी सीएनजी में। और इसके अंदर पता है जो आप टाटा की अगर एस गोल्ड खरीदते हैं वो माइलेज आपको देने वाली है लगभग 17 से 18, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो देखिए सबसे उसका वीकनेस पॉइंट क्या है कि 800 सीसी का इंजन उसके अंदर मिलेगा, दो सिलेंडर रहेंगे। इसमें आपको मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर, यानी कि आप ज़्यादा लोड ले सकते हैं, ज़्यादा भारी आप हर एक चीज़ जैसे दूध डेयरी में हो गया या बालाजी वेफर हो गया, किराना स्टोर में हो गया या अदर बंद भी इसको आप पूरा बनवा सकते हैं, जो आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों ने बनवाया होगा। तो अभी देखो इतना बड़ा डाला मिलता है, उससे भी बड़ा डाला दिया गया है, लंबाई चौड़ाई सबसे ज़्यादा, कमाई भी उतनी ही ज़्यादा करेगा, जितना ज़्यादा लोड आप ला देंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो अभी हम आपको इसका साइज़ बताते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और हर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फ़ीचर इसमें मिलता है। तो ये सीएनजी का वेरिएंट है, आप देखेंगे तो सीएनजी में मारुति सुजुकी का है। तो अभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि मारुति सुजुकी में कमाई सबसे ज़्यादा होती है, और मारुति सुजुकी में एक चीज़ आप नोटिस करना कि उसमें क्या है कि माइलेज और इसके स्पेयर पार्ट और सर्विस चाहे जहां आप करवा लो सस्ते पार्ट मिलेंगे, सस्ती सर्विस भी हो जाती है, ये चीज़ सबसे बढ़िया इसका। तो आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें आपको क्या एडवांस ज़्यादा अच्छा फीचर मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको कंपटीशन में दिखाऊँगा इसका व्हील, 13 इंच का इसके अंदर स्टील व्हील मिलता है, आगे 2 डिस्क ब्रेक का आपको मिलेगा, पीछे 2 ड्रम दिया गया, उसमें आपको 12 इंच की व्हील मिलेगी। तो अगर इसमें आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा टायर मिलेगा तो आप ऑफ रोडिंग अच्छा कर सकेंगे, गांव देहात में ख़राब सड़कों पे भी मस्त चलेगी, और उसके बाद रेस भी ज़्यादा रहेगा टायर लंबा चौड़ा रहने से। तो और यहाँ पर साइड पर देखेंगे तो ये आपका दिया गया है, देखिए कैरी का, ये आपका एसेसरीज में सीएनजी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा बैजिंग रहेगा, यहाँ पर डोर का हैंडल रहेगा, और ये देखिए यहाँ पर आपका पीछे का ये भी दिया गया, ठीक है, मड फ्लैप यहाँ पर दिया गया है, तो भी आप चाहे तो बढ़िया पर एसेसरीज में ही आएगा। ये देखिए मारुति भी बैजिंग किया गया है। अभी इसमें सबसे एडवांस फीचर आपको क्या मिलता है कि इसके अंदर तो 5 लीटर पेट्रोल आएगा ही, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो सीएनजी से स्टार्ट हो जाएगा, ये पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अभी यहाँ पर सीएनजी पड़ेगा, इसके अंदर आपको 6 किलो के 2 सिलेंडर दिए गए हैं जो कि 70 लीटर लगभग बनता है। इसके अंदर अगर आप इस ज़रा सा ढील रहेगा तो ये अगर ज़रा ढील रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, यहाँ पर सेंसर दिया गया है ये वाला, यहाँ पे ये सेंसर है, अगर ये ढीला रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये बहुत खासियत इसकी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर सीएनजी यहाँ से पड़ेगा और यहाँ से लॉक भी हो जाएगा, इसको मैंने खोला है अभी, और यहाँ पर जो है सीएनजी पासिंग का पूरा आपका मारुति सुजुकी का दिया गया है, तो ये पूरा रहेगा, और पीछे आपका 2 ड्रम रहेगा, ठीक है, आगे 2 डिस्क रहेंगे, 13 इंच के इसके व्हील आएंगे, कमानी पर रहेगी, सेफ्टी सबसे बढ़िया, मजबूती आपको उससे भी तगड़ी मिलेगी, और रियर प्रोफाइल इस तरह से रहेगा, ये देखिए आप, ठीक है, ये आपका रहेगा, ये देखिए पूरा सेटअप। अब उसके बाद दोस्तों सबसे पहले चलिए हम सामने से आपको दिखा दें, यहाँ पर ये देखें पूरा इस तरह से मिल जाएगा, पट्टी दी गई है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपका मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब 55x60 वाट का रहेगा 12 बोल्ट पे, इंडिकेटर क्रोम फिनिशिंग आप दे सकते हैं लुक वाइज भी, और इसको जब गाड़ी को आप चलाएंगे ना तो फीलिंग आपको क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसको भाई चलाने वाले ने बताया है कि बिल्कुल कार जैसा फीलिंग होता है, इसमें बैठोगे आप तो बिल्कुल कार के जैसा फीलिंग होगा, चलाने में बढ़िया मस्त कम्फर्ट, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं डाला टेम्पा चला रहा हूँ, बढ़िया कंफर्ट फील होगा। सामने आपको एस की बेजिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ बढ़िया मिलेगा, 2 वाशर वाइपर आपको मिलेगा, सुपर कैरी का 3D वाला बेजिंग सीएनजी, यहाँ पर सीएनजी यहाँ AIRVM ग्लास इसका इस तरह से रहेगा, और सामने आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची, उससे ऊंची गाड़ी है टाटा AC गोल्ड से ऊंची भी है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा ही आप देख सकते हैं, 300 mm का डाले से है, यहाँ से 300 mm का आपको मिलेगा, ये इस तरह से रहेगा। अभी आप देख सकते हैं इसका जो डाला है, अब मैं आपको लंबाई बताता हूँ, 7.4 है यानी कि 7 फीट 4 इंच की लंबाई है, चौड़ाई की बात करें तो 4 फीट 8 इंच है, चौड़ाई इतनी तगड़ी है। अभी आप इसको पूरा फुल भी बनवा सकते हैं, यहाँ पर देखिए मारुति सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से लॉक होगा, ये आपका पीछे का डाला जो है यहाँ से लॉक खुलेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टर इंडिकेटर 2 इधर पार्किंग सेंसर है, इधर 2 यानी कि 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें मिलेगा, टाटा AC गोल्ड में नहीं मिलता है। सीएनजी यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए स्टेफनी दी गई है, यहाँ पर लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, ताला भी आप चाहें लगा सकते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट है, एग्जॉस्ट आप दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए बैटरी का कवर भी दिया गया इसके अंदर, ये देखिए खुली बैटरी नहीं है, इससे क्या लुक अच्छा रहा है, और ये भी लॉक हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ताला लगा के आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। इसकी मजबूती आप चेसी देख लो, ये देखिए किस तरह से तैयार की गई है, तो मजबूती मजबूती बढ़िया मिल जाएगी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा,
इंजन के सेटअप एक जोर से पूरा इस तरह से यहाँ पर गया है, कमानी पे रहेगी। सीएनजी देखो यहाँ पर दो बाटला रखा है, ठीक है, 6-6 किलो का यहाँ पर दो बाटल रखा गया, यानी कि इसके अंदर आपको 70 लीटर टोटल बनता है। देखिए एक बाटल इधर दिख रहा है, एक उधर है, यहाँ पर ये देखिए, ये दो बाटल इसमें आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मड फ्लेम मिलेगा और ये साइड से भी आप पूरा लुक दे सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आपको इंटीरियर दिखाने। अभी ये रहा इसका इंटीरियर। अभी इस भाई इसमें ना आपको पावर विंडो मिलेगा, ना पावर स्टीयरिंग मिलेगा, इको वाला स्टीयरिंग मिलेगा, ये पूरा आपका मैनुअली ही रहेगा। यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स दिया गया है, ये देखिए आपको स्पेस, यहाँ पर भी आपको रखने की काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है जगह। हैंडल यहाँ पर सीएनजी IRVM, ये देखिए लाइट यहाँ पर बढ़िया। रियर में आप देखते हैं ग्लास, वो भी स्लाइडेबल है। और ये देखिए सीट लेदर फिनिशिंग के साथ बढ़िया कवर दी गई है। नंबर प्लेट तो पता ही आपको, जब आप गाड़ी खरीदते हैं उसके साथ ही लग जाता है। स्टीयरिंग नॉर्मल सी आपको मिल जाएगी, एयरबैग इसके अंदर नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है डिजिटल एंड एनालॉग सेम ही कंसोल। अभी उस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो इस में आपको मिलेगा, अदर में नहीं मिलेगा। अभी वो चीज़ ये है कि इसके अंदर आप चाहें तो अगर CNG पेट्रोल ख़त्म हो गया आपका तो CNG से भी चालू कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर इसको पुश रखना थोड़ी देर, उसके बाद ये आपका CNG में कन्वर्ट हो जाता है, टक से करेगा तो आप समझ जाना कि ये CNG या फिर पेट्रोल पे कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए CNG पे हो गया, अभी देखो आप यहाँ पर CNG हो गया, देखो मैंने दबा के रखा, उधर कट से किया आवाज़, तो CNG पे होगा। अभी CNG पे भी आप इसको चालू कर सकते हैं, ये देखिए चालू हो गई CNG पे। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेट्रोल से चालू करेंगे तो लगभग 15 सेकंड के बाद ये पेट्रोल पे हो CNG पे हो जाएगी, पेट्रोल से स्टार्ट होगी तो CNG पे हो जाएगी। दोनों ऑप्शन है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसमें ये फीचर आपको मिलेगा, यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है और मेन डोर भी आपको नॉर्मल ही मिल जाएगा। सीट बेल्ट आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ देखिए सबसे अच्छा, ये देखो आप यहाँ पर आपका देखो ये पूरा दिया गया है। यहाँ पर आपका फायर का भी सिस्टम दिया गया है, टूल किट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पीछे आपको अच्छे से सेफ्टी से बढ़िया लगाए हुए, ना आवाज़ करेगा ना कुछ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरा सेटअप इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी सीट आपका फोल्डेबल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका सीट लेदर कवर के साथ, ये पूरा स्टीयरिंग, यहाँ पर ही आपका लाइट का कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पर आपका डिफोगर का दिया गया है। ये देखिए आप पूरा हैजर बटन यहाँ पर आपका मिल जाता है ये। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपका लाइट का इंडिकेटर का, ठीक है, ये पूरा सेटअप यहाँ पर सेमी कंसोल रहने वाला है। तो यहाँ से हम बंद कर देते हैं और ये क्लच ब्रेक एक्सीलेटर रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे तगड़ा ये है कि आपको 1197 cc का 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। टाटा AC गोल्ड लेंगे तो उसमें आपको 800 cc 2 सिलेंडर, यानी कि इससे कम पावर उसमें रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा पावर पिकअप मिलेगा। यहाँ पर ये भी दिया गया है, ये देखिए आप, तो इसमें आपको पावर ज़्यादा मिलेगा तो लोड भी आप ज़्यादा ला देंगे तो कमाई आपकी ज़्यादा होगी। 40,000 रुपये भर के ले जाइए और समझ लो भाई कम से कम 50,000 रुपये महीना कमाइए आप इस गाड़ी को। और चाहे जहां आप सर्विस करवा लीजिए, हर जगह इसके स्पेयर पार्ट और सामान भी पूरे मिल जाते हैं। सर्विस तो आप आफ्टर मार्केट रोड पे भी करवा लीजिए, इतनी मारुति सुजुकी की सस्ती सर्विस हो चुकी है, कमाई ज़्यादा होगी, खर्चा कम लगेगा। और उसके बाद इसमें आपका जो है 12 kg के 6-6 kg के दो बॉटल आपको CNG के आ ही जाएंगे। माइलेज आपको 24 का देगी, 24 का डिस्काउंट इस पर बहुत तगड़ा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके इसका डाउन पेमेंट कम से कम जान सकते हैं, उसके बाद इस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा मैं बता रहा हूँ, कम से कम 40,000 का डिस्काउंट है। कॉल करेंगे तो ज़्यादा भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये 15 साल का वन टाइम टैक्स है, एक बार आप लीजिए 15 साल की फुर्सत, बाकी सिर्फ आपको 2 साल का फिटनेस करवाना पड़ेगा, 500 लगभग 600 रुपये खर्चा आएगा आपका, ठीक है। बाकी 3 साल पे आपका CNG फिटिंग चार्ज है जो कि 150 रुपये में हो जाता है। 7,18,000 रुपये इसके ऑन रोड कीमत है, 7,18,646 तो कम ही हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 40,000 डिस्काउंट चल रहा है भाई, तो 7,00,000 रुपये के अप्रॉक्स आपको ये पड़ने वाली है ऑन रोड। तो दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में कॉल करें अधिक जानकारी के लिए। बाकी 4 सिलेंडर का 1197 cc का इंजन आपको मिलता है, माले 24 का मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ग्राउंड क्लीयरेंस भी सबसे बेहतर मिलने वाला है, 625 kg का ये पेलोड लेकर चलने वाली है। तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।